बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुबैदा देसी किचन के साथ। बस आज मैं कोफ्ते बनाने लगी हूँ। ये कोफ्ते मैंने पहले से बना के फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि आज का टाइम की कमी है। ये प्याज, थूम, टमाटर सब मैंने ग्राइंड करके रखे, और ये सब मसाले, थूम और अदरक का पेस्ट और मसाले मैंने पहले से ही इसमें डाल के रखे हुए थे। ये प्याज मैंने पहले से रखा हुआ था, अब ये सुरख हो चुका है। इसमें ये मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने वाली हूँ। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा पेस्ट डालूंगी टमाटरों का, बाकी बाद में डालूंगी। ये थोड़ा सा अब डालूंगी। अब मैं ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ। मेरे से ये मसाला मेरा अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं ये मावा सारा ऐड करने वाली हूँ। जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा फिर मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। ये शेव मसाले को उबाली आ चुकी है, अब इसमें मैं ये कोफ्ते डालती हूँ। ये मैंने 2 घंटे पहले बनाए थे और फ्रीज़र में रख दिए थे, जिससे ये अब फ्रीज हो चुके हैं। अब ऐसे मैं इन्हें डाल दूँगी। अब भी फिर मैं इसे स्टीम पे छोड़ूंगी 10 मिनट के लिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बीवस ये देखें, कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब इनमें मैं ये धनिया और मिर्चें डाल रही हूँ। अभी आपको डिश आउट करके मैं बता रही हूँ। मेरे ये देखें कोफ्ते कैसे बने, आप ख़ुद कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगे हैं। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियो वक्त पे मिलेगी। जहाँ भी आप हैं, खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।